सौभाग्य सृष्टि राजेंद्र जी, शारदा देवी, पंकज दिवा, हीरा निधि, प्रियंका, भव्यांशी, नित्या, इस परिवार को प्राप्त हो रहा है। वे आ जाए आराम से, आराम से आओ। परम पूज्य विदुषी सरस्वती भूषणमती माता जी, सांसी भूषणमती माता जी, उनका मंगल सानिध्य और यहाँ दस प्रक्षण महापर्व विधान में जम्बू द्वीप आराधना पावन प्रसंग चल रहा है। देखिए प्रतिदिन यहाँ की वो जांच इसीलिए दोबारा की जाती है कि फीस तो कोई महत्व ही नहीं रखती, और सिखाया विभिन्न डिपार्टमेंटों ने जब 35-35 लाख रुपया डोनेशन लिया जाता तो वसूल कहां से करेगा, वसूल भी वो ऐसे ही करेगा। तो जो भी इच्छुक हैं वे ध्यान दें, कोई बड़ी बात नहीं होती है, और होना तो ये चाहिए। एक छोटा सा गांव है उदयपुर जिले में गुडली, वहां पंचकल्याणक था। जब कहा कि अपने साधर्मियों के लिए, देखिए ध्यान दें आप, साधर्मियों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है, तो उदयपुर निवासी एक परिवार जो इसकी जन्मभूमि गुडली थी, उसने कहा पंडित जी कितना, मैंने कहा मुझे नहीं पता कितनी राशि होती है, आप कार्यकर्ताओं से संपर्क कर लें। उन्होंने कहा पूरी प्रतिष्ठा में 6 दिन भोजन का जो भी लगेगा। देखिए कहां तो हम एक एक परिवार ढूंढ रहे थे सुबह के लिए इनका, शाम को अल्पाहार आदि इनकी ओर से, और उनके नाम प्रकाशित होंगे, इतनी भूमिका बनाई, और एक व्यक्ति ने कहा नहीं पूरी प्रतिष्ठा में। तो पहले हंस के, बिल्कुल युवा थे, और आए कैसे थे वो, बरोड़ा पहन, तो पहले तो मैंने हंस के उनको यही कहा कि ये पहन के नहीं आओ, पूरा पैंट पहन के आओ। लेकिन उस बालक ने इतना प्रशस्त, आज मैं भी नाम ले रहा हूँ, आप भले नहीं जानते ना उस गांव को जानते, लेकिन मुख से निकल जाता है, क्योंकि जो कार्य वास्तव में प्रशंसनीय है उसका तो कहीं तुलना नहीं है। आज कई आयोजन हो रहे हैं, जब उनसे पूछा तो उन्होंने क्या आंसर दिया कि पंडित जी 500 रुपये का कार्ड प्रिंट कराते हैं, घर घर जाकर के देते हैं तो भी व्यक्ति आता नहीं है, और यहाँ इतने साधर्मी इकट्ठे होते हैं, इसमें श्रीमंत भी आते हैं, त्यागी भी आते हैं, मुझे इससे बड़ा सौभाग्य और क्या मिले। देखिए वास्तव में उनकी भावनाओं का आदर किया गया और समाज ने स्वीकृति दी पूरी प्रतिष्ठा में। तो फिर मैंने सुझाव दिया पत्रिका में इनका मय परिवार के फोटो सौधर्मेंद्र के बाद में प्रकाशित किया जाएगा। ये अपन ने व्यवस्था दी कि जो कर रहा है उसे प्रेरित किया जाए। तो आइए पूज्य माता जी उनके पावन सानिध्य में, और दस लक्षण पर्व, इतने संयोग एक साथ मिल रहे हैं, फिर भी यदि हम जागृत नहीं हैं और सोचते हैं करेंगे तो अगले साल की गारंटी यदि आपने लिखवा दी हो तो मुझे पता नहीं, मुझे भी बता देना, ग्रीनिज बुक में आपका भी नाम लिखवा दूंगा।
देखिए आज अपना शरीर समर्थ है, आप कहा था ना आपको आज कलश लेकर के आप खड़े भी हो। देखते देखते कल बात कर रहे थे माता जी ने यही कहा था ना, एक नस दब गई तुम्हारी मेमोरी खत्म। ये शरीर जिस पर खड़े हो, इतला रहे हो, बल का मद कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में जारी नहीं पकड़ी जाएगी, फिर क्या अभिषेक करोगे? तो सभी हाथ जोड़ेंगे पूज्य माता जी के मुखारविंद से बीजाक्षरों के साथ शांति मंत्र पढ़े जाएंगे। आज हमारे केशियर राजेंद्र जी, उन्होंने प्रशस्त भावों से एक बार में ही, जब आप नहीं बोल रहे थे तो उनसे कहा, उन्होंने तुरंत ही सहमति दी, हाँ हाँ बोली है आपको। लेकिन पहला यदि कोई बोलना चाहे तो उसे अवसर दीजिए। हमने भी यही कहा कि ऐसा रिजर्वेशन पहले से नहीं किया जाए, लेकिन जैसा आपको पसंद है तो फिर दूसरी व्यवस्था। चलिए सभी हाथ जोड़े पूज्य माता जी। पंच परमेश्वरी भगवान की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतावड़ी पार्श्वनाथ भगवान की, चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य दुर्गा आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, दस लक्षण महापर्व की। सरस्वती भूषण मती माता जी, शांति भूषण माता जी, प्रेम का बहन सुदेश बहन, संघ सानिधि सुधीर मार्तंड तत्वावधाने, सृष्टि अशोक जैन, अनुराग जैन, प्रासुप्रक्षित सौधर महेंद्र, धनपति कुबेर, अनिल कुमार, उषा जैन, ईशान इंद्र, आदिश जैन, मंजू जैन, सानत इंद्र, मदन मोहन जैन, संतोष जैन, महेंद्र इंद्र, आदिश जैन, अनिता जैन एवं शांति धाराकर्ता सृष्टि राजेंद्र कुमार, शारदा देवी, पंकज, दीपा, नीरज, निधि, प्रियंक, भव्यांशी, नित्या, समस्त परिवारस्य श्रीरस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु। एवं अस्माकं दशलक्षण महापर्वदे जम्बूदीविहंकारी सिद्धार्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवतः सर्वपरमेति परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसादात् सत् धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वरी अभिवृद्धिरस्तु सशिष्ट परिशिष्ट वर्गा प्रतिगन्तो न ॐ विद्वान्या श्री वर्तमान पर्यन्ता चतुर्विंशत्करन्तो भगवन्ता सर्वज्ञः परम मंगलनाम धिया श्री परम पूज्य विद्याभूषण संगति सागरस्य परंपरायां सरस्वती भूषण माताजी, शांति भूषण माताजी, प्रियंका बहन सुदेश, समस्त सौधर्मादि इंद्र एवं श्री विजय जैन, माया जैन, अशोक जैन, बाला जैन, मुकेश जैन, बजरंगलाल जैन, समस्त परिवारस्य शांति धारा कर्ता सृष्टि राजेंद्र कुमार, शारदा देवी, पंकज, दीपा, नीरज, निधि, प्रियंक, भव्यांशी, नित्या, समस्त परिवारस्य अस्माकं मुद्र च सिद्धिं कुर्वन्तु सद्धर्मे कार्ये सूचयामः मुद्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु न ॐ नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद्भारतीशङ्कराय श्रीमद्रत्नत्रयरूपाय देवीतेजोमूर्तये प्रभामण्डलमणिकाय द्वादशगुणसहिताय अनन्तचतुष्टयसहिताय समवसरणकेवलज्ञान लक्ष्मी चोविताय अष्टादश दोषरहिताय षट्चत्वारिंशत् गुणसंयुक्ताय परमेति पवित्राय सम्यग्ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहिताय
अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुनाथ पुनाय त्रैलोक वर्धन कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती गर्भ क्षयं कराय अजराय भवाय अस्माकं व्याधिं विनन्तो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोषाय देवतेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व कर्के चुरलो पद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम राम रीम रोम राम रा अस्यावता नमाम सर्वेन शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं तुष्टिं कुरु कुरु क्रोधं पापमयं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वसादृशसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषव्याधिरामरं च सर्वोपारमन्त्रं सर्वात्मघातं पारघातं च सर्वशूलरोगं अक्षिरोगं कुक्षिरोगं शिरोरोगं ज्वररोगं च सर्वनारमारिं सर्वगजाशुभोमहिषज्वालिं सर्वशस्त्रधान्यवृक्षलतामूलपत्रपुष्पफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वक्रूरवेदान् सार्वनिडाग्निभयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वापस्मारिं अस्माकम् अशुभकर्मजनि दुःखानि दुष्टजनकृतान् मन्त्रतन्त्रदृष्टिमुष्टिछलसिद्धदोषान् सर्वदुष्टदेवदानवीरनरनाहरसिंहयोगिकृतदोषान् सर्वाष्टकुलीनागजनि द्विषभयानि सर्वस्थावरजङ्गमृष्टिसर्पादिकृतदोषान् सर्वसिंहाष्टापदादिकृतदोषान् सर्वशत्रुकृत मांडवचाटन विद्वेषन मोहन वशीकरणादि दोषान् ओम रे मध्वाकम चक्र संभव तेजो बल सौर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम ज्ञानानंदनम अभ्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेत करवट मतम मठम पत्तन द्रोणमुख सम्मानानंदनम सर्वानंदनम लोकेषु व्याधिव्यसनवर्जितम् अभियं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्रीशान्तिरस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं परम पूज्य सन्नति सागरस्य परंपरा सरस्वती भूषण शांति भूषण मति माता जी प्रेम कवय सुदेश मेहन एवं च समस्त दिगंबर जैन समाज कृत अस्मिन् दश लक्षण जम्बूद्वीप आराधना पावन प्रसंगी सृष्टि राजेंद्र कुमार शारदा देवी पंकज दीपा नीरज निधि प्रियम भव्यांशी जित्या समस्त परिवारस्य ओम शाम क्षीम क्षुम क्षेम क्षौ क्षः नमो अर्हते सर्व रक्ष रक्ष रोम फट स्वाहा समृद्धि अस्तु अस्तु कल्याणम अस्तु अस्तु सुखम अस्तु अस्तु अभिवृद्धि अस्तु अस्तु दीर्घायु अस्तु अस्तु कुल गोत्र धनानि सदा संतो अस्तु सद्धर्म श्री बलायु रारोगेश्वरी अभिवृद्धि अस्तु अस्तु ओम रीम श्रीम ग्लीम एव अहम् अस्यावतारम् विद्याय नमो अरिहंताम सर्व शांतिम कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासम सकल सुफलै द्रव्यत्वा सनल्पम वीरम वीरम शरीरम निरुपमुग्नयत्वा नोत्तच्छकीर्ति सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रथित करणे सुदुच्चैः तापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरजगताम उत्तमा शांति धारा नमो जी एक दीपक तैयार रखें कल्याणमस्तु कमला
सदास्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र समृद्धिरस्तु आरोग्यमस्तु विमतार्थ प्राप्तिरस्तु भद्रं तवास्तु दीनमन्वव भक्तिरस्तु श्रीमज्जैन जनार्जित प्रकटित स्याद्वादरत्नाकर सद्धर्मामृत चंद्र सुसुतकरो लावण्य रत्नाकर मोक्षद्वारक पाट पाटन पटु प्रध्यान रत्नाकर ओम भूरि गुणाकरो विजयते योगेन्द्र रत्नाकर योगेन्द्र रत्नाकर योगेन्द्र रत्नाकर बोली शांतिनाथ भगवान की जय। शांति धारा करता राजेंद्र कुमार जी श्रीफल के साथ सर गले आने इतना समूह होता है तो मुझे क्लियर नहीं हो पाता इसलिए मैं नाम बोल रहा हूँ। संसार महादुख सागर में अब गोते खाते आए हैं अब तक न किनारा मिल पाया अब तेरी शरण में यह कर्क समर्पण करके हम निज गुण का अर्थ बनाएंगे और निश्चय तेरे चरणों में मधुनाथ निधि को पाएंगे। ओम विश्वानी वर्तमान परम चतुर्थ तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। अथ शांति मंत्र करना अर्घ प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वाणयति अर्घ्य लेकर पहुंचेंगे। हे परम दिगंबर मोद्राजिनि की अब चरणों का घेरा हे वंदन गुरु को मेरा हे वंदन गुरु को मेरा जल चंदन आसन पुष्प चरु दीप तू कुमल लाया दीप भोग फल लाया संसार नाम से बखरा विद्याभूषण संगति सागर गुरुदेव चरणारविंद गुरु भक्ति गुरुवर हरिहं निर्वामिति स्वाहा। और उन्हीं की योग्यतम शिष्या विदुषी आर्य का सरस्वती भूषणमती माता जी उनके श्री चरणों में सरस्वती माता जी नमन तुम्हें सरस्वती नमो 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 नमो
पुष्पांजलि कृता Thank you.
Thank you.
Thank you.
देखिए बहुत अच्छी भक्ति अम्मा जी इस उम्र में भी हम उनकी भावनाओं का आदर करते हैं। अभी जो साधन में यहाँ आए हैं वे यथा योग्य स्थान ग्रहण करें। परम विदुषी पूज्य सरस्वती भूषणमती लता जी जिनका वरद हस्त और पावन सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है उनके मुखारविंद से ज्ञान की गंगा प्रवाहित होगी और हम सभी लाभान्वित होंगे। इस माइक को सही कर दें। हाँ, जो भी दर्शन करने साधन में आ रहे हैं वे भी ध्यान दें, यथा योग्य स्थान ग्रहण करें। दोनों हाथ उठाकर सभी जय ध्वनि करें। बोलिए परम पूज्य विद्याभूषण संत सेवागर जी महाराज की, सरस्वती भूषण माता जी की। ऐसे उन विभाव भावों को भी
समझने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि यदि हमें स्वस्थ होना है तो हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर किन बीमारियों से हम ग्रसित हैं। बीमारी का जब तक सही ज्ञान नहीं होगा तब तक इलाज भी सही नहीं हो पाएगा। पहले दिन हमने उत्तम क्षमा को समझा और उस उत्तम क्षमा में बाधक क्रोध कसाय को जाना। कल आत्मा के उस मृदु स्वभाव को समझा, कोमलता को समझा और उसमें बाधा उत्पन्न करने वाले ऐसी उस मान कसाई को भी हमने जाना। कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं, प्रिय होती हैं और कुछ चीजें ना हमें स्वयं में अच्छी लगती हैं और ना हमें दूसरों में अच्छी लगती हैं। उनको देखना भी हमें पसंद नहीं होता। क्रोध करते हुए व्यक्ति को यदि हम देख लें तो हम अच्छा कह पाएंगे क्या उसे? नहीं कह पाएंगे। और यदि शांत स्वभाव निष्प्रय भाव में लीन किसी को हम देखते हैं तो उसकी छाप बहुत दिनों तक हमारे मन मस्तिष्क पर अमिट रहती है। क्या शांत मुद्रा है, कैसे कसायों का प्रशमन हुआ है, तो वह एक शांति हमारे लिए ही मिलती है। उससे कोई अहंकार करता है और अहंकार में आकर यदि कहीं वो दूसरों का अपमान करता है, दूसरों की निंदा करता है, दूसरों की प्रशंसा को सुनना पसंद नहीं करता है, वो भी हमें पसंद नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें वह कोमल स्वभाव ही पसंद है क्योंकि ये नैसर्गिक प्रवृत्ति है। कांटे पसंद नहीं है हमारे लिए, पुष्प ही पसंद आते हैं। आज इस तृतीय चरण में हमें चर्चा करनी है उस उत्तम आर्जव धर्म की। मृदु हो जाने के बाद भी हम सरल हैं या नहीं हैं ये आवश्यक नहीं है। हमने जब मृदुता को अपने में अपनाया तो अब हमारे लिए सरल होना भी आवश्यक है, इसलिए हमें उसको जानना जरूरी है। और दूसरी चीज, इसके जो विरोधी माया कसाय है उसे समझना क्यों जरूरी है? माया कहते हैं ठगने को, छल कपट को, वक्र परिणति को। और जब यदि हम किसी से ठगे जाएं, कोई हमें ठग ले, कोई हमारे साथ मायाचारी कर ले, छल कपट कर ले, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हम दूसरे के साथ ना करें ये अलग बात है, पर हमें ये भी पसंद नहीं है कि दूसरे हमारे साथ मायाचारी करें। तो एक दो शब्द हैं, एक कठिन और एक कठोर। मान में व्यक्ति यहाँ कठोर होता है तो माया में उसकी परिणति कठिन हो जाती है। जैसे कल आपको बताया था कि हम दो दिनों में हमारी दो रिपोर्ट आ चुकी है, आज हमारी तीसरी रिपोर्ट आएगी और उससे हम जानेंगे कि हमें माया का टाइफाइड हो गया है। टाइफाइड की बीमारी बड़ी जल्दी मालूम नहीं चलती,
अंदर में पनपती रहती है। इसी तरह से ये मायाचारी भी जल्दी से मालूम नहीं होती, ये अंदर में पनपती रहती है। कई बार तो हमारा सगा मित्र हो, वो भी हमारे साथ में कैसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हुए और अंतरंग में मायाचारी छिपाए हुए है, हमारे साथ छल कपट कर रहा है, ये हम समझ नहीं पाते। एक भाई ने छोटे भाई में हिस्से की भी जमीन, फैक्ट्री आदि सब कुछ अपने नाम लिख ली, माँ से अंगूठा लगवा लिया, माँ को समझा दिया माँ घर में एक ही तो है, कोई नहीं किसी के नाम से हुआ। माँ बिचारी भोली थी, सरल थी, नहीं समझ पाई उसकी अंदर की परिणति को, उसकी मायाचारी को, और उसने भी अंगूठा लगा दिया। आखिर उस मायाचारी के कारण छोटे भाई को यद्यपि परेशान होना पड़ा, परंतु फिर भी कहा है कि दगा किसी का सगा नहीं है, किया ना हो तो कर देखो, वरना जिनने किया दगा उनका जाकर घर देखो, आज नहीं तो कल। कौरवों ने, दुर्योधन ने पांडवों के साथ दगा किया था, आज पांडवों का नाम हम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। कोई अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखता है, कोई अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता है, कोई अपनी बेटी का नाम सूर्पनखा नहीं रखता है। क्यों? कारण क्या है? रावण ने साधु का वेश धारण करके सीता को ठगा, मायाचारी करके सीता को ठगा, कौरवों ने लाक्षाग्रह बनवा करके पांडवों के भस्म हो जाने की पूरी योजना बनाई, और शूर्पनखा ने भी लक्ष्मण को, राम को ठगना चाहा मायाचारी करके। तो ये निर के नाम इस मायाचारी में प्रसिद्ध हैं, हम उनसे दूर रहना चाहते हैं, उनके निकट नहीं जाना चाहते। और वैसे भी ये मायाचारी जहां हो, यदि एक बार प्रकट हो गई तो हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, उसके प्रति से हमारा विश्वास हट जाता है, उस व्यक्ति की बात की प्रामाणिकता भी नहीं रहती है, प्रामाणिकता भी उसकी खत्म हो जाती है। और जो सरल व्यक्ति हो, सज्जन व्यक्ति हो, भोला व्यक्ति हो, स्पष्टवादी हो, उससे सभी मित्रता करना चाहते हैं, सभी उससे जुड़ना चाहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ये सब हम जानते हैं, पर अब देखना ये है कि हमारी आत्मा ने यदि अभी तक दोस्ती की है तो किससे की है। हम इस संबंध में आध्यात्मिक क्षेत्र में भी देख सकते हैं, आगम के क्षेत्र में भी देख सकते हैं, और एक लोक व्यवहार में तो खैर वहां तो मायाचारी का बोलबाला है, लोग कह देते हैं इसके बिना काम नहीं चलता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी मायाचारी पाई जाती है। आचार्य कहते हैं कि तत्व का जैसा स्वरूप है तुम वैसा नहीं मान रहे हो, वैसा प्रतिपादन नहीं कर रहे हो, दूसरे को
अपने स्वार्थ में या किसी में आकर के उसको गलत समझा रहे हो, कहीं नए बाद में उलझे हुए हो, कहीं पंथवाद में उलझे हुए हुए, कहीं पक्षपात में उलझे हुए हो, और उसके कारण से जो भी इन वाद विवादों का ग्रहण जहां लगा होगा वहां तत्व का सही प्रकाश उद्घाटित नहीं हो पाएगा। और जहां आप सत्य स्पष्ट नहीं कर सकते हो, जहां आप तत्व के स्वरूप को ही यदि स्पष्ट नहीं कर पाओगे तो वो मायाचारी नहीं होगी तो और क्या होगा। करना पड़ेगी आपको, जब आप किसी नए बात में उलझे हुए हैं, यदि आप मात्र निश्चय नए के कथन करना पसंद करते हैं, यदि आप बिल्कुल व्यवहार नए से कथन करना पसंद करते हैं, तो आप निश्चय नए की जो बात होगी उसको आप अंडरलाइन कर लोगे, उसको आप लोगों के सामने बताओगे, पर व्यवहार नए की बात को गौण कर दोगे। जबकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों को हम देखें, समय सार जैसे महाग्रंथ में उन्होंने यदि एक गाथा निश्चय नए की दी है तो चार गाथाएं उन्होंने, दो गाथाएं, तीन गाथाएं उस विषय को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने व्यवहार नए से दी है। पर हम तो अपक्ष और पंथ में पढ़ करके जिन वाणी को भी तोड़ मरोड़ कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहना पड़ता है कि अपनी कमी को ढांकने या गम कभी मत मोड़ना, और भरतेश का दृष्टांत दे बहुसंग को मत जोड़ना। अपनी कमी को ढकने के लिए हमें आगम नहीं बोलना चाहिए, जो तत्व जैसा है उसको हमें वैसा ही दूसरों को बताना चाहिए। कि नए आज थोड़ा सा प्रसंग आपको हो सकता कठिन पड़ सकता है, नए दोनों कैसे हैं एक छोटे से दृष्टांत से आपको बताएंगे। आप जानते हैं जल का फार्मूला क्या है, जल कैसे बनता है, H2O, इसी से जल बनता है ना। हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु, ये तीन परमाणु जहां मिलते हैं वहीं वो जल बन जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैस ज्वलनशील हैं, है कि नहीं, दोनों की दोनों गैस ज्वलनशील हैं, परंतु जब वो अनुपात में मिल जाती हैं तो जल बन जाती हैं, उस अग्नि को शांत करने वाली बन जाती हैं। इसी तरह से चाहे वो व्यवहार नए हो चाहे वो निश्चय नए हो, दोनों अपने आप में परिपूर्ण हैं, और जब इनका समायोजन हो जाता है, जब इनका सही उपयोग होता है, तो ये जल बन करके जो हमारे अंदर में कहीं पक्ष और पंथ की धधकती हुई अग्नि को ये शांत कर देते हैं। तो हमारे लिए आगम और अध्यात्म की मायाचारी से तो कम से कम हमें बचना ही चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में हमारी मायाचारी हम देखें कैसे कैसे मायाचारी करते हैं, सामायिक करना है, बैठे हुए हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, और अगर जरा किसी की आहट मिली तो बिल्कुल अटेंशन होके बैठ जाते हैं, है ना। साधुओं को आहार देने जाना है, अगर छू गए दूसरे ने कहा आप छू गए, छू गए, अरे नहीं नहीं हम नहीं छुए, अभी नहीं छुए, अभी नहीं छुए, हमने नहीं देखा, हमें नहीं छुए, अरे दो चार बूंद कप पानी की छिड़क लेंगे हम शुद्ध हो जाएंगे। आहार में क्या देंगे, अगर कोई वस्तु हमारे पास में नहीं है तो हम वो चीज इतनी शुद्ध नहीं है, फिर भी अरे बिल्कुल ठीक है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है करके हम दे देंगे। ये मायाचारी, इसको आपने आज तक जाना नहीं होगा,
पर धार्मिक क्षेत्र में मायाचारी ये हमारे लिए कहां ले जाने वाली है, जरा सोचने की बात है। सोचो जरा इसको, ये छल नहीं तो क्या है, ये धोखा नहीं तो क्या है। भगवान के सामने आकर बड़े अच्छी तरह से गाते हैं, आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन सो करो हो जो निजाधीन। बड़ी अच्छी सुरीली आवाज में भगवान के सामने आकर के गाते हैं, सुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। और अगर ये ग्रास अगर भोजन का कम खाया जाए तो आज तो मैंने भोजन ही नहीं कर पाया। फिर वो सुधा रोग विनाशनाय की भावना हमारी कहाँ चली जाती है। आत्म के अहित करने वाले विषय और कसाय हैं, पर मंदिर से भगवान के सामने पीठ लेते ही या मंदिर में ही कोई हमारे स्थान पे बैठ गया, किसी ने हमसे पहले अभिषेक कर लिया, किसी ने हमसे पहले शांति धारा कर ली, हमारे लिए जगह नहीं थी, हम रोज करते थे, और वहां हमारे परिणाम यदि खराब हो गए, भगवान को क्या सुना रहे थे, एक समय पहले भगवान से क्या क्या बोल रहे थे, सुना रहे थे, और हमारी करनी में क्या आ रहा है। जो मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। तो एक बार एक सज्जन बोले सुनकर के, बोले मेरे मन में आया है कि दूसरे को गालियां दे दूं, तो मैंने दे दी, क्योंकि हम तो पूजन में पढ़ के आए हैं कि मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। मेरे मन में आया उसकी बुराई कर दूं, उसको गालियां दे दूं, मैंने दे दी। ये आपकी सरल प्रवृत्ति नहीं है, मन में वैसा ही आए जो आपके वचन से कहने के लायक हो, मन में वैसे ही विचार आना चाहिए, सरल विचार आना चाहिए जो आप अपने वचनों से कह सके और जो आप अपनी काय से कर सके। ये है वहां उस कवि का अर्थ और ये है उस सरलता का अर्थ। ये नहीं है कि हमारे मन में जो आए हम वो ही करते चले जाएं और वो ही कहते चले जाएं, ये हमारा अर्थ उसका सरलता का नहीं है। ऐसा करके आप निष्कपट नहीं बन जाएंगे, आप सरल नहीं कहला सकते हैं। हमें यदि सरल बनना है तो सरलता यही है कि हमारी परिणति सरल हो। कैसी सरल हो? हमारे मन में वक्रता के विचार ना आए, दूसरों के अहित के विचार ना आए, दूसरों को ठगने के विचार ना आए, हमारे द्वारा ऐसी क्रिया ना हो कि जो दूसरों के लिए बुरी लग सके, दूसरों का जिसमें अहित हो सके, ऐसे हमारी मन में बात ना आए। तो सरल व्यक्ति ही इस मोक्ष मार्ग पर गमन कर सकता है। आज हम कहते हैं धार्मिक क्रियाएं करते हुए भी मन नहीं लगता, इसका मतलब है हमने अपने जीवन को बहुत कठोर बना लिया है, कठिन बना लिया है, हमारी सहजता कहीं विदा हो गई है हमारी से। जो एक सहज परिणति होती है वह अंदर और बाहर से एक होती है। ऐसी सहज परिणति हमारे लिए ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, इतना कठिन जीवन हमने आपको अपने आप को बना दिया है कि हम उस सहजता का अवलोकन ही नहीं कर पाते हैं। बंधु, ये हमारी धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ हम और भी क्षेत्रों में देखें, राजनीतिक आदि क्षेत्रों की बात तो अभी अपन यहाँ नहीं करेंगे, वहां तो बोलबाला इसी का है, परंतु हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में जो मायाचारी ने प्रवेश कर लिया है, जरा हम उसको देखें। एक भाई दूसरे भाई के साथ
एक सासू बहू के साथ, बहू सासू के साथ, पड़ोसी पड़ोसी के साथ क्या कर रहा है? सरल सहज व्यवहार हो रहा है? नहीं हो रहा है। आज की स्थिति ये है, बहू के घर में सासू को नहीं मालूम कि आज क्या है घर में, बहू की बात सासू को नहीं मालूम, उनके हस्बैंड को नहीं मालूम, परंतु उनके मम्मी को मालूम, उसकी माँ को मालूम है। आज घर में कौन आया है, कौन गया है, कितने लोगों का मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, क्या काम करना पड़ रहा है, ये सारा का सारा उसके मायके में खबर है, परंतु बगल के कमरे में रहते हुए दूसरे को खबर नहीं है। कुछ चीज लाना है, मेरे भाई ने दी है, मेरी माँ ने दी है। अब जब नोटबंदी हुई थी तो प्रकट हो गया था कि कितने कितना आपने छल करके अपने घर में झूठ बोल करके अपना अपना बैलेंस बना रखा है। आ रही थी सूचना बार बार कि महिलाओं का कि मायाचारी महिलाओं का झूठ प्रकट हो गया है, कम से कम इस निमित्त से। पर ऐसा ना कहें कि पुरुष मायाचारी नहीं करते, वो भी जब शादी विवाहों के लिए जाते होंगे, जब अपने कस्टमर से बात करते होंगे, जब अपने ग्राहक को पटाते होंगे, बिल्कुल इसमें तो मेरे लिए एक पैसा भी नहीं मिल रहा, जिस भाव से लाया हूँ मैं उसी भाव से आपके लिए दे रहा हूँ। आप विश्वास मानिए, बेटे का भी मन ही नहीं है शादी करने का, अभी आए था रिश्ता, 50 को वो बोल गए हैं, परंतु क्या करें, बेटा अभी हाँ नहीं कर रहा है, और बेटे को मना भी लें तो बेटे का बहनों ही हाँ नहीं कर रहा है, बेटे की बहन हाँ नहीं कर रही है। हाँ, 50 तक का रिश्ता तो आ गया। सोचो जरा, आज हमें रिजुता को अपने मन को सरल बनाने की बात करना है। बड़े बड़े प्रवचन तो हम सुन लेते हैं, बहुत कुछ है हमारे घर में, बोला जा सकता है, कहा जा सकता है, परंतु उनसे हमारा काम नहीं बनता। हमें कहां कहां किनसे छूटना है, उसको चर्चा को यदि हम आज लेंगे तो शायद कहीं किसी पर असर हो जाए। कोई चिकने घड़े में भी कभी कभी एकाध बूंद प्रवेश कर जाती है, ये हमारी मायाचारी है। इस मायाचारी के कारण आचार्यों ने लिखा है, माया तैर्यज्ञो नस्य, मायाचारी से त्रियंज्योनि का आश्रम होता है। अब यहां बैठे धार्मिक लोग हैं सारे बिहारी कॉलोनी के, सभी सरल सहज जीवन जीना पसंद करते हैं, पर ये बताएं कि कहीं मायाचारी से हम वो त्रियंजोनी का आश्रव करना चाहते हैं? बंदर बैर घोड़ा पशु पक्षी आदि बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते, पर मायाचारी छोड़ना चाहते हैं? चलिए ज्यादा नहीं छोड़िए, आप कम से कम इतना तो कर लो कि हम अपने जब बेटे और बेटी का विवाह आदि करेंगे तो उसमें हम मायाचारी नहीं कहेंगे, जो बात होगी बिल्कुल हम सही कह देंगे। भाई हमारे लिए इतना चाहिए, अगर आपकी वो हो तो आप रिश्ता हमारे यहाँ मांगो, और यदि नहीं है तो हम मजबूर हैं आपके यहाँ करने।
कर सकोगे क्या इतना, इतनी सरलता क्या आ सकेगी हमारे में? जिन जिन के बच्चे विवाह गए होंगे वो कर देंगे खड़ा। हाँ ये भी मायाचारी है। तो देखिए करोगे आपका भला, नहीं करोगे आपका भला। सरलता तो कितनी होनी चाहिए। मायाचारी से स्त्री पर्याय का भी बंद होता है और मायाचारी से त्रियंचौनी का बंद होता है। हम त्रियंच पर्याय में भी नहीं जाना चाहते और स्त्री पर्याय की जो पराधीनता जन्य कष्ट हमने बचपन से आज तक झेले हैं उनको भी हम नहीं सहना चाहते, किंतु मायाचारी भी नहीं छोड़ना चाहते। टिकट जहाँ का लिया होगा उसी ट्रेन में बैठना होगा। आप किसी स्थान की टिकट लेकर दूसरी गाड़ी में बैठ कर के सफर नहीं कर सकते हैं। वर्णी जी की एक बात आती है, एक बार कहीं स्कूल में बच्चों की एक व्यवस्था वाली बात चल रही होगी और उसके लिए चंदे की बात चल रही थी। वर्णी जी ने भी, गणेश प्रसाद जी वर्णी, उन्होंने 300 रुपए अपनी तरफ से बोल दिए। अब उनके पास थे नहीं 300 रुपए। अब सोचा क्या करूंगा, हिसाब लगाया कैसे इस पैसे को अदा करूंगा। 3 रुपए रोज उनको फल खाने के मिलते थे तो सोचा 100 दिन में 300 रुपए इकट्ठे कर लूंगा, फल नहीं खाऊंगा। दान की भावना भी देखो आप कि अपने खाने में फल के बिना मेरा काम चल सकता है तो नहीं खाऊंगा। पर फिर भी एक मायाचारी की माँ से छिपाया। जब माँ से कट कट के रहने लगे, जिससे फल खरीद के लाते थे उसकी भी दुकान से दूर से निकल जाते, माँ ने सोचा चिरौंजा भाई जी ने कि आजकल क्या बात है, बेटा मुझसे कट कट के सा रहा है, क्योंकि मायाचारी करने वाला अपनी आंख नहीं मिला पाता है। और जिसने जीवन में कभी ना की हो, पहली बार की हो, वो तो बिल्कुल भी नहीं मिला सकता। बार बार करते तो हमें आदत बन जाती है तो हम मिला लेते हैं। तो ऐसे उसने नहीं, वो नहीं मिला पा रही थी अपनी आंख माँ से और माँ को बताया भी नहीं। एक दिन माँ के हाथ में उनकी डायरी पड़ गई और माँ ने देखा कि ये क्या है, तो उन्होंने फल वाले से जाके पूछा, क्यों मेरा बेटा क्या फल नहीं ले रहा है आपसे? बोले, नहीं माँ जी, वो तो कई दिन से दूर से निकल जाता है, वो मुझसे फल नहीं ले रहा है। बोला, जब वर्णी जी आए उनसे पूछा, कहा डायरेक्ट उनको कह दिया, बिल्कुल सरल रूप से कह दिया, स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई तुम्हें मुझसे इतना मिथ्या व्यवहार करने की क्या जरूरत पड़ रही थी। बरनी जी आंखें नहीं उठा सके, बोले, माँ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने 300 रुपए दान के बोल दिए। माँ बोली, इतना अच्छा काम करने के बाद में भी और तुम्हारे लिए मायाचारी करनी पड़ रही है? लो आज से ये सारी संपत्ति तुम्हारे नाम है, जितना तुम्हारे लिए देना हो, दान करना हो, पुण्य करना हो, जो कुछ करना हो तुम करो, तुम संभालो, मैं तो इससे रहे तुम सारी संपत्ति उनके नाम से। तो ये सरलता की बात थी। मायाचारी उनके मन में जरा सी आई। जब कभी हो किसी सब्जी वाले के पास में ज्यादा पैसे दिए आते हो, उसने उसको कम पैसे दिए, सोचते अरे आप ठगा सुख होत है और ठगा दुख देत, उसने कम से कम अपनी आत्मा को ठगा है, मेरे लिए नहीं ठगा है। जो ठगता है दूसरों के लिए वो दूसरे को नहीं ठगता किंतु अपने स्वयं की आत्मा को ठगता है। बंधु हम, समय आपका ज्यादा हो रहा है इसलिए ज्यादा आपका समय ना लेकर के आज बहुत सरल रूप में मायाचारी को, क्योंकि आर्जव धर्म का दिन था,
तो बड़ी सरलता से हमने समझा आप घर गृहस्थी में भी यदि मान लो जो मायाचारी आपको करनी पड़ती है कि हमारे उन्होंने दिया है हम वहाँ से लाए थे, हमें वहाँ से टीके के पैसे मिले थे, राखी के पैसे मिले थे, ये हुआ था। अगर ये मायाचारी आप घर में ना करो, क्योंकि मायाचारी करने से एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म हो जाता है। जेब से पैसे निकाल निकाल करके रखे, इकट्ठे करके कोई भी चीज ले आए, हम वहां से लाए, मैंने तो देखा नहीं आपकी जेब में, ये चीजें क्यों इतना पाप कमाते हो? क्या हम इतने भी सरल नहीं बन सकते हैं कि अपनी बात को सही रूप से कह सके कि भाई हमारे लिए इतने की जरूरत थी, हमें चीज लाए हुए है, उसमें क्या बुराई है? कोई आपकी वस्तु वापिस नहीं करेगा, पर अब एक बार आप सरल बन के तो देखो, उस सरलता का आप उपयोग करके तो देखो। बहुत लोग कह देते हैं हम तो भाई स्पष्टवादी हैं, परंतु वो कब स्पष्टवादी बनते हैं? जब दूसरों की निंदा और बुराई करनी होती है, दूसरों के अवगुण दिखाना होते हैं, तब तो वो स्पष्टवादी होते हैं। अपनी बात कहने के लिए स्पष्टवादी हो, वह स्पष्टवादिता है, वो स्पष्टवादिता नहीं। अरे हम क्या झूठ बोल रहे हैं? तो उन्हें ऐसा किया क्यों उन्होंने? ये स्पष्टवादिता नहीं है। तो ये आर्जव धर्म के प्रकरण में जैसे कि एक बच्चों की एक छोटी सी कहानी आती है कि एक दिन जब एक व्यक्ति, एक बच्चा जा रहा था, उसने देखा मेरे पीछे शेर आ रहा है, तो उसने सोचा चलो पेड़ पर चढ़ जाऊं, पेड़ पे मेरी सुरक्षा हो जाएगी, शेर पेड़ पे नहीं चढ़ेगा। पर जब वो पेड़ पे चढ़ने लगा तो उसे लगा भालू तो पहले से बैठा है पेड़ पे, अब उसने कहा क्या करूं? भालू ने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। चला गया, भालू ने उसको बगल में बिठा लिया। अब इतनी देर में शेर भी पेड़ के नीचे आके बैठ गया। उस शेर ने सोचा थोड़ी देर बाद तो दोनों उतरेंगे, तो एक ना एक तो कोई ना कोई मुझे मिल ही जाएगा आखिर। तो शेर ये सोच रहा था, और इतने में क्या हुआ, उन दोनों ने आपस में चर्चा की। भालू बोला देखो पहले मैं सो जाता हूँ, बाद में तुम सो जाना, ताकि हमारी सुरक्षा बनी रहेगी। तो जैसे ही भालू सोया, शेर बोला उस आदमी के बच्चे से कि देख ये भालू सो रहा है, ऐसा कर इसके लिए धक्का दे दे तो मेरा भी पेट भर जाएगा और तुम बच जाएगा। उसने देखा भालू सो गया है, तो उसने धीरे से उसको धक्का देने की योजना बना ली आदमी ने। पर जैसे उसने उसके लिए टच किया और उसको थोड़ा खिसकाया कि भालू की नींद खुल गई। बोले क्यों? भालू ने बेचारे ने कुछ नहीं कहा, उसकी तरफ देख के चुपचाप रह गया। बोले अब तुम सो जाओ, मैं जागरण करता हूँ, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। उसने अब जब उसके मन में खुद छल था, तो बेचारा सोने का बहाना करने लगा, सोया तो नहीं पर सोने का उसने बहाना किया। तो शेर उससे भी बोला, बोले देख इसने तुम्हें गिराना चाहा था, अब तू इसको धक्का दे दे, तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी। तो भालू क्या बोला? बोला मैं इंसान नहीं हूं, मैं इंसान नहीं हूं, मैंने किसी की सुरक्षा का वादा किया है, मैं इसको धक्का नहीं दे सकता, मैं इसकी सुरक्षा करूंगा। तो आज लगता है कि हमारी में अगर कहीं मायाचारी है, तो हम उन जानवरों से भी भयभीत हो जाते हैं। उस समय हम नहीं देखते हैं कि दूसरे व्यक्ति का इसमें नुकसान होगा, क्या होगा, हम अपने लाभ के लोभ में आकर के मायाचारी करते हैं, स्वार्थ की से हम जकड़े हुए हैं, जिनसे हम माया छल कपट करते हैं, दूसरों को धोखा देने से चूकते नहीं हैं। तो ऐसी क्रियाओं को हम विराम दे दें, अन्यथा हमारे लिए वही त्रियंच योनि में जाना पड़ेगा, त्रियंच पर्याय में हमारे लिए कष्ट सहने पड़ेंगे। अभी आप लोगों ने मेरी कर्म कहानी के माध्यम से जो त्रियंच पर्याय के दुख सुने थे, पढ़े थे, जिनसे हमारा रोम रोम
एक शिखर उठा था, ऐसे उन्त्रेंच पर्याय में पुनः ना जाना पड़े, हम ऐसी मायाचारी से बचें और उस आर्जव धर्म को अपनाएं, अपने स्वरूप में आने के लिए जैसे सर्प को बिल में जाने के लिए सीधा होना पड़ता है, ऐसे ही अपने स्वरूप में आने के लिए हमें भी सरल होना पड़ेगा, सीधा होना पड़ेगा। तो हम दूसरों की मायाचारी को जानकर उनसे अपनी सुरक्षा भी करें और स्वयं उस मायाचारी से बचें। बोली परम पूज्य सरस्वती भूषणवती माता जी की, पूज्य माता जी की मुखारविंद से प्रवचन के माध्यम से श्रवण किया। माया महाठगने हम जाने, मायाचारी करने वाला। अभी अंतिम में उदाहरण दिया था कि पशु वफादार है। मैं सोचता हूँ मायाचारी करने वाले को इसीलिए कहा कि तू भी पशु बन जा ताकि कम से कम वफादारी। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पयामिति।